ऑल राइट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले अपना नाम लिख लेंगे, आप भी ठीक है? नाम लिखने की आदत बनाया करें, ठीक है? मैंने आपको कहा था पेपर टू के अंदर यू हैव टू स्कोर 50 अबव ताकि आपका कंपोनेंट ग्रेड जो है ए बना करे, ठीक है? पहले आप लोगों ने ये कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर वन देख लें बेटा। द प्रोबेबिलिटी डैट जेन विन्स अ गेम इज 7/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट जेन डज नॉट विन द गेम। आपको पता है कि जी आपको बेटा, जी कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर आपने ऑलरेडी रेडी रखना है, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा ज़रा डिटेल में जाऊंगा। प्रोबेबिलिटी है तो विन एंड लूज दो पार्ट होते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, सो 1 - 7/10 इज द आंसर। तो आई नो दैट इट्स 3/10, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर पे अगर आप लोग करना चाहें तो आप ऐसे करेंगे -7/10, तो आपको ऑटोमेटिकली 3/10 मिल रहा है। तो 3/10 इज द आंसर, ठीक है? फ्रैक्शन में, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं। जेन प्लेज दिस गेम 50 टाइम। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम शी इज एक्सपेक्टेड टू विन द गेम। तो विन इज 7/10 एंड टाइम्स 50, सो इट मीन्स दैट 70% ही इज गोइंग टू विन द गेम। सो 7/10, 7/10 इज 7/10 मल्टीप्लाई बाई 50, सो इट मीन्स दैट 35 टाइम्स ही इज गोइंग टू विन द गेम। सो नाउ ये देखें, ज़रा ये गौर करें, ये लिखा है फोर्थ रूट लिखा है। अगर मैं स्क्वायर रूट का बटन दबाता हूँ तो खाली स्क्वायर रूट आता है, फोर्थ रूट नहीं आता, ठीक है? तो इसको लेकर आने के लिए आपको देखें एक्स पावर डैश के पीछे आपको नज़र आ रहा है शिफ्ट और ये वाला बटन, ठीक है? अब यहाँ पे आपने 4 लिख देना है, ठीक है? और 0.0256 ये आंसर है आपका। 2/5 इज इक्वल टू 2/5। एस एन डी करता हूँ तो इट इज 0.4। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एरर है, जरा कैलकुलेटर पे देख लें, स्टूडेंट्स ये करते हैं। स्टूडेंट लिखते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के पीछे 4 लिख देते हैं। ये नहीं है बेटा, ये गलत हो गया। अच्छा, समझ आ गई? ये एरर आपसे पेपर में होना चाहिए। ओके, एमा हैज 15 मैथमेटिक क्वेश्चंस टू कंप्लीट। दिस टाइम एंड लीव डायग्राम टू शो द नंबर इन मिनट्स टेक हर टू कंप्लीट ईच क्वेश्चन, ठीक है? तो ये जीरो जो है ना बेटा, ये स्टेम होते हैं, ये वाले आपके लीव्स हैं, ठीक है? फाइंड द मोड, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ। आई कैन सी दैट 16 इज रिपीटेड 3 टाइम्स, यस और नो? यस और नो? सो 16 इज द मोड। अरबाब बेटा यस नो तो बोल दे यार। ओके, रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट 20 है और लोएस्ट 3 है, तो 17 इज द रेंज, तो 17 हो गया। अब बारी आती है मीडियन की, क्योंकि 15 नंबर है तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास मीडियन होता है। मीडियन इज n+1/2। 15 + 1/2 इज इक्वल टू 8th वैल्यू। अब 8th वैल्यू काउंट कर लो, कौन सी आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आ रहा है 8। तो ये 1 नहीं है, ये 11 है, ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा सबको? ओके, राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ कंजेकेटिव इंटीजर्स। तो कंजेकेटिव इंटीजर्स का क्या वो होता है आपके पास? जी सर ये 11 की समझ नहीं है, आपने किस तरह काउंट किया है? बेटा, मीडियन होता है ना, मीडियन इज द मिडिल टर्म। मीडियन में हम लोग जी देखते सर, हैं कि डेटा ऑड है कि इवन है। तो ये डेटा ऑड है, 15 इज ऑड नंबर, तो ऑड के लिए एन प्लस बिल्कुल वन ठीक डिवाइड बाई टू होता है और इवन के लिए एन डिवाइड बाई टू होता है। है सर। ओके, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ के कंजेकेटिव इंटीजर्स। के कंजेकेटिव इंटीजर की रेंज निकालने के लिए आपका क्या एक्सप्रेशन होगा, जरा मुझे बताएं। जी बेटा कुछ खुद भी बोला करें, मैं सारा सारे क्वेश्चंस मैंने करने हैं क्या? अरबाब क्या तो सर, एक्सप्रेशन और होगा भी क्वेश्चन बेटा? क्या है, मतलब क्या है? कहता है कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ के कंजेकेटिव इंटीजर्स। तो कंजेकेटिव इंटीजर्स बताओ जरा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होता है ना, माइनस जी वन माइनस टू ये होता है ना। तो इसका मतलब है कि इसका जो होगा, अगर 1 है तो 1 - 1 क्या आता है? जीरो ओके, 2 - 1 क्या आता है? 1 आता है कि नहीं? वन तो इसका मतलब है कि के माइनस वन इज द एक्सप्रेशन। क्या मतलब है, के माइनस वन समझ आ गई ना? क्योंकि कंजेकेटिव इंटीजर्स और इंटीजर्स नेगेटिव में भी जाते हैं, एग्री? लेकिन तो सर अगर आप हम नेगेटिव का क्यों स्टेबल, लिया आपने, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी तो लेना चाहिए ना, क्योंकि ये हाँ तो आगे स्टेबल भी जा रहा है, तो नेगेटिव आगे में जा नहीं रहा आ है ना, रहा। तो
क्या जी? नहीं, इंटीजर्स नेगेटिव में होते हैं, इसलिए नेगेटिव लिया मैंने यहाँ पे। इंटीजर्स नेगेटिव में भी वो होते हैं ना बेटा, तो सही सर है, लेकिन तो लेकिन पॉजिटिव में भी होते हैं। तो पॉजिटिव में भी होते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव के लिए हमने इसी तरह हम लोग देखा, फाइव डालता हूँ मैं, ठीक है, के की जगह पे फाइव डालता हूँ, ठीक है, 5 माइनस 1 करूंगा तो 4 आ जाएगा कि नहीं? लेकिन टेबल तो आएगा। सर आगे जा रहा है ना, पीछे तो नहीं जा रहा ना। तो ये कह रहा है कि नहीं, आगे पीछे दोनों तरफ जा रहा है, इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है, आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, समझ आई? जी सर, कंसेक्यूटिव नहीं इंटीजर निकालने के लिए पिछले वाले में से एक निकालना होता है, समझ आ गई? तो हम माइनस वन इस्तेमाल करेंगे या प्लस वन करेंगे अब? -1 -1। सही। क्वेश्चन 5 देख लें बेटा। हेनरी ड्रॉ द स्केटर डायग्राम, 3 वैल्यूज हैं। पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इतने कम वैल्यूज के अंदर आप नहीं बता सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यस और नो, क्योंकि ये लाइन ऐसे भी लग सकती है और लाइन ऐसे भी लग सकती है, एग्री? सो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल दैट देयर इज कोरिलेशन इफ देयर आर नॉट इनफ पॉइंट्स, ओके? पॉजिटिव भी नहीं बता सकते, नेगेटिव भी नहीं बता सकते, दोनों लग सक रहे हैं, और इट शोज नो कोरिलेशन, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो लग ही नहीं रही, ठीक है? लेकिन सर अगर हम बेस्ट फिट की बात करें तो हाँ, फिर तो नेगेटिव में जा रहे हैं ना। नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन हम लोग इसमें नहीं लगा सकते ना, पता है क्यों? क्यों? देखो, इसके पीछे एक रीजन है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें मैं पॉजिटिव लाइन लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? पॉजिटिव। अब देखो, मैं पॉजिटिव लाइन लगा दिया ना, पॉजिटिव लाइन में बेस्ट फिट हो गई है। देखो, ये पॉइंट भी इतना ही दूर है जितना ये दूर है, यस और नो? तो ये भी, ये लाइन भी सही लगी है। तो नेगेटिव भी सही लगती है। हाँ, नेगेटिव भी सही लगती है और पॉजिटिव भी सही लगती है, समझ आ गई? तो इतने कम पॉइंट्स में हम लोग नहीं बता सकते कि डाटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है? सर अगर नहीं हम नेगेटिव का लाइन लगे फिर तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं सर। आते, नहीं आते, एक पॉइंट नीचे चला जाएगा ना, बिल्कुल एक पॉइंट नीचे चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहता है कि ईच ऑफ द 4 स्कैटर डायग्राम शोज द सेट ऑफ द डाटा अ लाइन हैज बीन ड्रॉन। तो क्या बताओ, पहले गलत वाले निकालो, क्या बी और डी गलत है? देखें, यहां पर आधे जी पॉइंट्स ऊपर है, बिल्कुल गलत आगे है सर, ये गलत है, डी भी गलत है, ये डी भी में गलत सारे है, पॉइंट्स बिल्कुल ऊपर हैं, ठीक है, भी गलत है। सही ओके। सही है। ए ए वाला गलत है और सी वाला ठीक है, क्योंकि सी में देख लें जरा, सी में यहां पर 1 2 3 4 इक्वली पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हैं, हुए सर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एग्री? तो सी वाली जो है ना बिल्कुल वो सर। ठीक है। चलें जी, रोम्बस बनाना है। रोम्बस क्या होता है बेटा, पता है पहले आप लोगों को? सर ये राइट, टिल्टेड फॉर्म ऑफ स्क्वायर, टिल्टेड फॉर्म ऑफ स्क्वायर होती स्क्वायर। है, और इसके कहने का है 6.5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है? तो 6.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है और इस कॉर्नर पे रखना है, ठीक है? इस कॉर्नर पे रख के एक आर्क ऊपर लगा देना है, एक आर्क नीचे लगा देना है, ठीक है? फिर बी वाले कॉर्नर पे रखकर एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, तो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास रोम्बस बन जाएगा, टिल्टेड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। यस और नो? सर क्या हुआ सर, नंबर से एक्सप्लेन करिए बेटा, ये 6.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करोगे, ठीक है, प्लीज। और एक एक दो लाइन को इस डायगनल साइड, बनाने हैं ना, दो हाँ, एक ऊपर लगाना है, एक नीचे, और आर्क। फिर उधर रख के, एक उधर नीचे, और फिर इन चारों को ज्वाइन कर देना है। सही है। ऑल राइट, अब ये क्या कह रहा है? द रेसिप्रोकल ऑफ 0.2 इज हाउ मच? रेसिप्रोकल ऑफ 0.2 इज 1/0.2, यस और नो? तो दैट इज इक्वल टू 5। प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100। नहीं बेटा, रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा कि नहीं? जी 3 का होगा 1/3, तो 0.2 का होगा 1/0.2, समझ आ गई? जी सर। अब प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100, तो पहले तमाम नंबर लिखो, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये नंबर आ गए। इवन नाइन्टी नंबर्स को सेवन सबसे पहले काट लें, काट लिया, मल्टीपल ऑफ 3 को भी काट लें, 93, 99, ये भी काट लेते हैं, 95 भी काट लेते हैं, 5 में आता है, अब 91 और 97 रह चुका है। अब 91 और 97 के लिए हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 91 मेंबर ऑफ टेबल 7 है, तो आप चेक करके देख लो, 91 डिवाइड बाय 7, तो 21 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो इसका मतलब है 97 इज द आंसर। फ्रॉम द लिस्ट राइट डाउन एन इरेशनल नंबर, तो जो नंबर फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो वो होता है इरेशनल नंबर। तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है, ये 8 हो गया, ये भी फ्रैक्शन है, स्क्वायर रूट 9 3 के बराबर है, तो ये भी कट गया, तो स्क्वायर रूट 7 इज द आंसर, यस और नो अरबाब?
जी चलें। फाइंड ए फाइंड बी व्हेन ए इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। तो हमें बी को पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5c, तो 5c वहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यस और नो? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन जी सर बोथ साइड्स, तो b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5ac, अब इन की वैल्यूज डाल दें, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, a की वैल्यू है 5.625 और c की वैल्यू है 2, तो कैलकुलेटर में डालने बेटा स्क्वायर रूट 5। हम सिंपल वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास a की वो भी मौजूद है, एक ही बात है ना, एक ही बात है। अगर हम 5.69625 इज इक्वल टू बी स्क्वायर ब्रैकेट नीचे फ्रैक्शन, हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, 5 बाय 10 आपको बाद में मल्टीप्लाई, मैंने पहले सब्जेक्ट मेकिंग भी सिखा दिया ना, दोनों काम किए हैं जरा। तो मैं तो वो वैसे भी कर सकता हूं, मैं हाँ वैसे भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो 15 बाय 2 तो 7.5 आंसर आ रहा है। भाई ये बच्चों वाला क्वेश्चन आई होप कि आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट फायर होते हैं, समझ आ रही है आपको? वही ना मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। हाँ जी, तो ये 14 डिवाइड बाय 30 ये आ रहा है, अब कटिंग करो तो 7 डिवाइड बाय 15 इज द आंसर, यही कह रहा है वहां पे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, लिख दिया। सर जी अगर ये प्लस माइनस होता तब क्या करते? नहीं होता ना प्लस माइनस यार, प्लस माइनस में तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं ना यार, जब ये मल्टीप्लाई खोलो 3 से। ओके द नंबर इज लेस देन 1 तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 10 पावर माइनस में आएगा, तो 1 2 3 तो 6.54, ठीक है बेटा। ओके राइट द नंबर एज एन ऑर्डिनरी नंबर, राइट डाउन द नंबर ऑफ जीरो दैट फॉलो द सेवन डिजिट, तो 1 2 3 3 निकाल दो, 1 और 2 माइनस 3 करें कितना आता है, 99 जीरोस लगाने पड़ेंगे, यस और नो? सर इसमें आपने क्या किया, परफेक्टली करो, पढ़ो तो सही क्वेश्चन जरा। द नंबर 1.467 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 102 इज रिटन एज एन ऑर्डिनरी नंबर, तो 102 राइट पे जंप लेने है ना जी, तो 3 जंपों के बाद 99 जीरोस लगाने पड़ेंगे कि नहीं, यही पूछ रहा था वो। कहता है राइट 0.04 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 लगा देंगे, यस और नो? तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, उसका मेथड भी होता है कि लेट ये 99 बन जाएगा ना। हाँ तो बस इसका मेथड ये होता है कि लेट x = 0.04, ठीक है एग्री, ये 04 जो है ना ये रिपीट हो रहा है, एग्री? There are two numbers are repeating, so multiply by 100, multiply by 100, तो ये हो जाएगा बेटा 100x is equals to, तो दो नंबर जब भी होगा तो 4.0404 ये आ जाएगा, yes or no? तो 100x में से अब माइनस कर लेंगे x को, ये इसका मेथड है, 0.0404 यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये आता है 99 माइनस करना है, तो 99x is equals to 4 divided by 99 on both sides, तो 4 by 99 इसका शॉर्टकट आंसर है, ठीक है बेटा? सर एक मिनट, ये 100x equal to 4.0404 है ना, इसके बाद minus x क्यों लिखा है सर? ये जो आपने स्टार्ट में x को सपोज किया होता है ना बेटा, यही तो मेथड है ना सर, अगर हम डायरेक्ट 99 से डिवाइड कर दे वो भी तो हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया ना तो फंस जाओगे, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया ना ये फिर फंस जाओगे, तो यही जैसे हम 99 तो इसमें ही लेते हैं ना, हाँ इसमें ही 99 लेते हैं, अगर हम डायरेक्ट 4 से अगर फर्स्ट का वो 0.4 से फिर हम 9 लेंगे ना, हाँ, और अगर ये क्वेश्चन ऐसे आएगा ना तो तुम्हें ये मेथड सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 रिपीट हो रहा है, 0 रिपीट ही नहीं हो रहा, समझ आई? ओके कहता है यूनिवर्सल है इंटीजर्स ग्रेटर देन 12 2, प्राइम नंबर्स हैं ए के, ऑड नंबर्स हैं बी में और सी में, स्क्वायर नंबर, डिस्क्राइब द नंबर ऑफ टाइप ऑफ नंबर्स इन द सेट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, तो इसमें क्या क्या आएंगे, कंप्लीट द सेट टेबल्स इन द डायग्राम, तो हम लोगों ने ये डायग्राम्स को कंप्लीट करना है। ओके फिर थर्ड पार्ट कहता है कि शेड द रीजन, हमने शेड भी करना है रीजन को। ओके ये मुझे बताएं कि बी कॉम्प्लीमेंट बी आउट हो जाए अगर, ठीक है, अगर बी आउट हो जाए
बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी आउट, यस और नो? यस और नो? जी सर। बट यस और नो, इफ बी इज आउट, अगर बी आउट हो चुका है तो स्क्वायर नंबर्स के साथ जो इसका कॉमन एरिया होगा वो कौन से नंबर्स होंगे, कौन से नंबर्स होंगे ये मुझे बताएं। ग्रेटर देन टू है ना, तो ऑड स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो थ्री आ गया। हाँ तो ऑड नंबर्स आपके निकल गए ना, तो इवन स्क्वायर नंबर्स रह जाएंगे, यस और नो? यस और नो? यस यस, क्योंकि ऑड निकल चुके हैं तो इवन स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो रह जाएंगे। समझ आई सर? एक बार फिर करें। देखो, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ नंबर्स इन द सेट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो बी आउट है ना, ये बी आउट होता ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो आउट हो गए, बी आउट हो गए तो मतलब ऑड नंबर्स आउट हो गए, तो सी के साथ सी के अंदर स्क्वायर नंबर्स हैं तो इवन स्क्वायर नंबर्स रह जाएंगे। ओके बिल्कुल 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 जी सर, ठीक है सर। ओके जी सर। कंप्लीट द सेट टेबल्स इन द वेन डायग्राम, हमने ए बी सी लिखना है, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि हमारे पास ये नंबर्स कहां पर आएंगे। पहले तो ए प्राइम नंबर है, यस और नो? ए क्या है बेटा? प्राइम नंबर्स, ठीक है। और बी ऑड नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर में भी सारे ही तकरीबन प्राइम नंबर होते हैं एक्सेप्ट टू, यस और नो? टू इज द स्मॉलेस्ट बेटा। प्राइम नंबर्स की क्या डेफिनेशन है, देखो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? टू थ्री फाइव सेवन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन टू, तो मतलब कि टू नहीं है, यस और नो? यस सर। इसका मतलब है कि ए जो है ना वो अंदर है, ठीक है। और किसके अंदर है? ये बी के अंदर है, क्योंकि बी ऑड नंबर है, एग्री? और ये वाला सेट सी है ऑटोमेटिकली। समझ आइए बेटा? बेटा ए इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू, ठीक है, तो मतलब कि तमाम ऑड प्राइम नंबर्स ही रह गए हैं ना, यस और नो? जी सर। ओके, नाउ कहता है कि शेड द रीजन डी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको ये मेथड आता है तो मेथड के जरिए करें, अगर डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने के बजाय मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि गिफ्ट मार्क्स होते हैं पेपर के, तो आप लोग डायरेक्टली ना करें, आप लोग इसके अंदर एरियाज मार्क कर लें। तो अरबाब आपको पता है ना कि देर आर एट एरियाज, 1 2 3 4 5 6 7 8, एग्री? जी। अब ये कहता है ई इंटरसेक्शन एफ, तो पहले तमाम एलिमेंट लिख लेता हूँ। यूनिवर्सल में एलिमेंट्स हैं 1 2 8, ठीक है। डी के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5, ई के एलिमेंट्स हैं हमाद 2 3 5 6, एफ के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, ठीक है बेटा। अब ये कहता है कि ई इंटरसेक्शन एफ पहले होगा क्योंकि ब्रैकेट है, तो E और F को इकट्ठा करो, कॉमन लिखना है इसमें 2 3 5 6, इंटरसेक्शन F इज 4 5 6 एंड 7। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 5 कॉमन है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ओके 5 और 6 कॉमन है, ठीक है जी। अब E इंटरसेक्शन F को कॉम्प्लीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से माइनस करो, 1 2 8 में से माइनस करो 5 6 को, तो क्या रह जाएगा बेटा? 1 2 3 4 7 और 8 रह जाएंगे, यस और नो? यस और नो? आप यूनिवर्सल को मतलब यूनिवर्सल में से माइनस कर रहे हैं सर? बेटा यूनिवर्सल माइनस करेंगे ना, ई इंटरसेक्शन एफ को यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया, ये रह गया, एग्री? ठीक है ठीक है। अब डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसका यूनियन करना है, ठीक है। तो पहले डी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 2 8 में से डी को निकाल दो बाहर, तो डी है 1 2 4 5, क्या है? तो 1 2 4 5 को निकाल लो, तो रह जाएगा 3 6 7 और 8 रह जाएगा, यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे आया हुआ यूनियन के, इन दोनों का यूनियन करो, तो यहाँ पे यूनियन लिख के वो वाला सेट इधर लिख लो 3 6 7 8। हाँ जी, तो 3 6 7 8, तो जरा बताएं क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 4 6 7 8 सब आ गए हैं एक्सेप्ट 5, यस और नो? यस सर। तो सब कुछ शेड करना है एक्सेप्ट 5। सर वो दूसरा तरीका क्या है? ये तो बहुत लंबा है ना यार, ये लंबा है लेकिन ये इसमें ये होता है कि इसमें एरर नहीं होता, ठीक है। लेकिन सर इतने लिखने में वैसे भी एरर हो जाता है बंदे का।
नहीं होता यार बेटा, अगर आप सही तरीके से इस पे प्रैक्टिस कर लो तो आपका एरर नहीं आएगा, समझ आइए। पूरा शेड हो जाएगा। ये पूरा शेड करना है, खाली फाइव को अनशेड करना है वापस आखिर में मैंने, ठीक है। तो फाइव को आपने अनशेड कर देना है और पिक्सल इरेजर ये छोटे वाले ले लेते हैं, समझ आ गई। तो ये वो शेडिंग है जो आपने पेपर में करनी है, ठीक है। ये आप दो से तीन क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करो, ये गिफ्ट मार्क्स हैं, ये आसान है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। ओके क्वेश्चन 13 पे आ जाए। हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट जो है आपस में 90 का एंगल बनाता है, राइट अरबाब। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा लेते हैं और ये एंगल हाफ हो जाएगा, 22 22 हो जाएगा, एग्री। बिल्कुल। तो हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं, 180 माइनस 90 माइनस 22, तो 180 माइनस 90 माइनस 22 इट इज इक्वल टू 58, कितना आ रहा है करके देख भी लेते हैं, 90 माइनस 22 करके, ओ 68 आ रहा है। ये 68 है तो ये भी 68 होगा ना, यस और नो। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू 68 प्लस 68 डिवाइड बाय 2। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम एक आंसर फाइंड करें तो और सारे खुद ही मिल जाते हैं ना। हाँ ना, ऐसे क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन तो एक वो पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज द थ्योरम। फाइंड करना है, देखो फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज द थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से देखना है, ठीक है। You can see that it's a radius. Can you see that? जी. Okay. So you have to remember that कि radius and tangent they make 90 degrees angle. ठीक है? आपने ये खुद लगा दिया. अब आपको पता है कि tangent drawn from outside, तो जब आप इसको center के साथ join करते हैं तो ये angle two pieces में bisect हो जाता है, ठीक है? हाँ, हो जाएगा बिल्कुल. तो ऊपर भी एक triangle बन गया, नीचे भी एक triangle बन गया. तो अब आपको पता है कि ये भी 68 है, ये भी 68 है, agree? तो 68 प्लस 68 हमारे पास आता है 136. आपको पता है ना कि सर्कमफेरेंस पे एंगल हाफ होता है, यस और नो। तो 136 को डिवाइड बाय 2 करो तो 68 ही आ रहा है हमारे पास आंसर। सही, तो पहले थ्योरम फाइंड करना है ना, पहले थ्योरम फाइंड करना है, पहले आपने ये 68 कहां से है? हां 68 कहां से है बेटा? 68 प्लस 68 136, 136 डिवाइड बाय 2 इज 68 नहीं आता क्यों? नहीं वो शुरू वाली बात करते, 44 प्लस 22 दावा देखो, नहीं क्या होता है, 22 प्लस 90 माइनस 180 तो 68 आता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सा शेप है बेटा? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम लिखा भी हुआ कि ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालना है, फॉर्मूला आना चाहिए तो निकाल सकते हो, 1/2 इनटू L1 प्लस L2 इनटू हाइट। ओके अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमें ये पता है कि ये कहता है ट्रेपीजियम हैज वन लाइन सिमेट्री, क्या है बेटा? वन लाइन सिमेट्री है तो इसका मतलब है यहां से ही कटेगा, यस और नो? जी यस और नो, यहां से ये कट जाएगा तो इसका मतलब है कि आधा ट्रेपीजियम उधर रह जाएगा और आधा इधर रह जाएगा, एग्री? ओके इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके अब हम लोग ऐसा करेंगे कि हमें ये पता है कि यहां से यहां तक कभी ये भी सेम होना है क्योंकि वन लाइन सिमेट्री की वो है, एग्री? हमें पता है, हमें ऊपर क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि दैट दिस पोर्शन इज 15.4, यस और नो? बिल्कुल। ओके हम लोग ये ट्राइंगल आउट करते हैं क्योंकि हमें L1 तो हमारे पास अवेलेबल है और L2 नहीं है हमारे पास, तो हम लोग ये ट्राइंगल बाहर निकाल लेते हैं, 90 62 18.2, हमने ये निकालना है। तो ये हमें पता है कि 90 में से ये एंगल निकाल लेते हैं, तो 90 माइनस 62 करते हैं तो ये भी एंगल आ जाएगा हमारे पास, ये 28 आ रहा है। x निकालो जल्दी से, सो x डिवाइड बाय sin 28 इट इज इक्वल्स टू 18.2 डिवाइड बाय sin 62, सही है बेटा? sin रूल लगा दिए तो sin 62 मल्टीप्लाई बाय, ये 62 है हां, तो उसके साथ वाला भी 62 होगा। किसके साथ वाला बेटा? सामने वाला, ये वाला जी, ऑब्वियस है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री ये मैप करेगा। ग्राम मोनिटी से माइनस कर दे तो वहां पे भी ये भी यहां पे भी 22 बनेगा ना, 28 बनेगा। तो मैं यहां की लेंथ निकालूंगा और यहां पे लिख दूंगा ऑटोमेटिकली, समझ आई है? सही है। तो ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन 18.2 डिवाइड बाय sin 62 मल्टीप्लाई बाय sin 28, ठीक है बेटा? तो ये आ रहा है 9.677, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता है तो 9.68,
तो ये 9.68 है अरबाब, तो ये भी भी 9.68 नाइन होगी। पॉइंट सिक्स एट होगा, अभी प्लस कर दो। चलो जी अब L2 को जरा प्लस कर लेते हैं, 15.4 प्लस 9.68 प्लस 9.68, सो L2 आ गई हमारे पास 15.4 प्लस 9.68 प्लस 9.68, सो द आंसर इज 34.76। तो L2 इज इक्वल टू व्हाट, अब फॉर्मूले में डाल लो, 1/2 इंटू L1 इज 15.4 प्लस 34.76 इंटू हाइट, हाइट इज 18.2। ठीक है, तो बस ये कैलकुलेटर की गेम है, अब 0.5 मल्टीप्लाई बाई 15.4 प्लस 34.76 ब्रैकेट क्लोज इंटू 18.2, सो द आंसर इज 456.456। समझ आ गई बेटा? जी ऑल राइट, द कंप्लीट द टेबल शोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ग्रेंस ऑफ द पेयर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, नाउ लुक एट दैट, दिस इज साइड, दैट इज साइड एंड दैट इज एंगल, तो साइड एंगल साइड क्या है बेटा, कॉन्ग्रेंट, क्या चीज है बेटा ये? कांग्रेंट ये कॉन्ग्रेंट है, और इसमें जो क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड, येस और नो? ओके, सर यहाँ पे देख लो कॉन्ग्रोड का बेटा, क्या मतलब होता है? बराबर, ऑल साइड इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल्स इक्वल। ओके, 4.5, 4.5 के साथ है 4, यहाँ पे 5, 4.5 के साथ है 4, यहाँ पे 5, तो तमाम साइडें बराबर है ना, यस और नो? कांग्रेंट। तो कॉन्ग्रुएंट और साइड साइड और साइड क्या सर लिखेंगे ये हम साइड एंगल साइड वाला, सर ये हम कब और किस तरह लिखते हैं? बेटा? ये ऑब्वियस सी बात है कि इसकी दो साइडें और एक एंगल बराबर है ना, जी और इसमें भी वही वैल्यूज लिखी हैं, 7 और 6.5, लिखा है कि नहीं? जी सर, तो दैट इज ऑफ वेरी कोर्स। ऑब्वियस कि यहाँ पे मैं कोसाइन रूल लगाऊंगा तो ये जो एक्स आएगा तो वो भी एक्स ही आएगा, एग्री? बिल्कुल साइन रूल लगाओगे तो ये जो एंगल आएगा वो भी ये भी आएगा, और ये जो एंगल आएगा वो ये भी आएगा, येस और नो? तो इसका मतलब है दोनों बराबर है ना जी, ट्राइंगल। उसको देख के दो जी साइड सर, सेम दे, जो एंगल सेम दे। अब जरा यहाँ पे देखो, जरा वाह यहाँ पे देखो, हाइपोटेन्यूस 5.2 है ना, जी सर, यहाँ पे भी 5.2 है, एग्री? जी अब जी यहाँ पे ये 65 लिखा हुआ है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 65 25 आता बिल्कुल है, और वहां पे 90 माइनस 35 करो तो 55 आता है, बिल्कुल, तो ये तो ये कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रूट है ही नहीं नहीं, है। नॉट कॉन्ग्रेंट है ये, नन। ठीक है, क्लियर जी सर, हो गया बेटा सबको? यस सर, ए इज द पॉइंट एंड बी इज द पॉइंट, फाइंड द लेंथ, तो लेंथ का फॉर्मूला लगाना है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो नाम दे दो x1 y1 x2 y2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान होती है पेपर में अगर फॉर्मूले आते हैं तो, -1 -7 होल स्क्वायर प्लस 9 -5 होल स्क्वायर, फॉर्मूले में वैल्यू डालो फिर कैलकुलेटर में करो बस, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ब्रैकेट -1 -7 ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 9 -5 ब्रैकेट 1 स्क्वायर, सो 4√5 आ रहा है, एस एन डी करके देख लो, तो लेंथ आ रही है हमारे पास 8.94, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी होती है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, येस और नो? जी सर, अरबाब, जी, एम की फॉर्मूला होता है y2 - y1 वाई टू डिवाइड बाई माइनस फाइव एक्स, वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस सिक्स वन ओके, तो आपने ऊपर नाम दिए हुए ऑलरेडी, तो -1 -7 डिवाइड बाई x2 इज नाइन नाइन माइनस माइनस फाइव वन ओके, -8 डिवाइड बाई 4, तो -2 आ रहा है, येस और नो? जी सर, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई आपके पास y इज इक्वल टू -2x + c। अब c निकालने की अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट इसमें पुट कर दो, मैं ये वाला पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सी निकल आए, क्योंकि आंसर लाइन पे हमें यहाँ पे लिखना है वाई इज इक्वल टू -2x + c, तो सी की जगह पे कुछ वैल्यू लिखनी है, वो क्या है हमें नहीं पता, सो 9 -1 को पुट करें 9x की जगह पर और -1 y की जगह पर, तो -1 = -2 × 9 प्लस सी, -2 × 9 कितना आता है बेटा, -18, बिटवीन -18 वहां पे जाएगा तो +18 हो जाएगा, तो जब लाइन मेंशन करे तो बस वो हमेशा एम एक्स प्लस सी होता है ना। हाँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन की बात आ जाए तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा बस, क्या कहता भाई? परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन,
पढ़ो पूरा क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन 3 ओके, ये लाइन ओवर पहले ठीक करो, ये लाइन y = mx + c, या y को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये हो जाएगा y = 4/3x -5/3, यस और नो? ओके, कहता है कि इस लाइन का ग्रेडियंट बताओ जो कि इसके परपेंडिकुलर लाइन है, उसका ग्रेडियंट बताओ, यस और नो? तो आपको पता है ना कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 माइनस 1 होता है ना परपेंडिकुलर्स का, यस सर इसका ग्रेडियंट 4/3 है, तो सर माइनस वन 4/3 इज इक्वल टू माइनस 1, तो 4/3 उधर जाके फ्लिप हो जाएगा, तो माइनस 1 इंटू 3/4, यस और नो? तो m2 इज इक्वल टू माइनस 3/4, समझ आई यार बाब? बेटा व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो द प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस 1, समझ आई? ये मैंने पढ़ाया था थ्योरम, अगर पैरेलल हो लाइनें तो ग्रेडियंट सेम होते हैं, यस और नो? जी जी सर ओके, ये क्या लिखा है बेटा? सॉल्व एफ ऑफ जी एक्स प्लस वन इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स ओके, तो दो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो आराम से करें, पहले जी में एक्स प्लस वन पुट करें, तो जी एक्स प्लस वन पुट कर रहा हूँ जी में, तो जी में पुट करूंगा तो ये आएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस प्लस फोर, वन तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव, यस प्लस और फाइव नो? यस सर अब इसको इसमें पुट करना है, यस और नो? यस सर तो ये हो जाएगा ब्रैकेट एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर 25, इट इज इक्वल टू जी एफ एक्स, यस और नो? यस सर अब एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को जी में पुट करो, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को किस में पुट करना है? जी में जी में, जी में तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन एक्स प्लस फोर है ना, तो वहां पे पुट कर लो, जी तो वो आ जाएगा एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस 25, यस और नो? यस और नो? सही है सर एक्स प्लस फोर कहाँ से है सर जी एक्स प्लस फोर ओहो, एक्स प्लस फोर कहाँ से आया? दोबारा देखो भाई, सर वैसे आखिर में तो हमने एफ को ही जी में पुट करना है ना तो एक्स प्लस फोर -25 नहीं कर सकते डायरेक्ट नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं, पहले जरा देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक लिखा हुआ है एफ जी एक्स प्लस वन, ठीक है, तो पहले जी एक्स प्लस वन सर हम लोग बनाते हैं कि जी एक्स प्लस वन क्या चीज है, तो जी में एक्स प्लस वन पुट करो एक्स की जगह पे, एक्स प्लस वन प्लस फोर, तो एक्स प्लस एक्स फाइव प्लस आता है, फाइव ठीक है, जी बिल्कुल आ रहा है अब इसे एक्स प्लस फाइव को एफ ऑफ एक्स में पुट कर दो, ठीक है, ठीक है यस और सर नो? यस सर तो ये एफ जी एक्स हो जाएगा तुम्हारे पास, एफ जी एक्स प्लस वन हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस 25, समझ आ गई? बिल्कुल आई अब ये लेफ्ट साइड पे देखो, एफ ऑफ एक्स को किस में पुट करना है, जी ऑफ एक्स में पुट करना है कि नहीं? जी सर पुट एफ ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो जी ऑफ जी एक्स सर इज एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर, यस और नो? यस सर एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4, यस और नो? यस सर यस और नो? तो यस ये हो सर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21, अभी कहता है दोनों बराबर हैं, ये क्या कहता है, दोनों बराबर है इक्वल लिखा हुआ है ना, तो अब इन दोनों को इक्वल पुट तो कर x प्लस दें, फाइव होल स्क्वायर -25 इक्वल टू x स्क्वायर -21 यस, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड होता है ना एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर, सर अरबाब सर एक्सपेंड होता है मुझे कि नहीं? फैक्टराइजेशन कभी जी कभी जी मसला बन जाता है सर तो वो प्रैक्टिस करोगे तो एक्स खत्म ट्वेंटी होगा, फाइव उधर एक्स स्क्वायर इधर तो ये ए स्क्वायर, एक मिनट सबर करो, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 21, क्या ये दोनों कटते हैं? जी एक्स स्क्वायर प्लस यस 10x सर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21, क्या ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटता है? यस सर जी तो ये आ गया बेटा 10x इज इक्वल तो टू माइनस माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी वन वन डिवाइडेड बाय 10 जी यस माइनस 21 डिवाइड बाय 10, तो -2.1 इज द आंसर, 4 मार्क्स थे, ठीक है, सर इज दिस क्लियर? यस सर यार मेरे ख्याल से बाकी बच्चे छुट्टी पे रहे हैं यार, क्या हिसाब है? सर मैं समझा से और तवा है चलो यार ये बाकी कल करेंगे यार, बस आई एम टायर्ड टू ठीक है सर इंशाल्लाह
ये पेपर मैं भिजवा देता हूँ, आप लोग बाकी क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने करा दिया है, क्वेश्चन जी नंबर सर, 19 ऑनवर्ड्स आप लोग सॉल्व करो, जहाँ पे फर्स्ट जो वो मार्क कर लेना, ठीक है? सही है, ठीक है बेटा, अल्लाह ठीक है सर, ठीक है सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।